नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा धर्मेंद्र की मोहब्बत का है। जी नहीं, हम बात हेमा मालिनी की नहीं कर रहे, बल्कि दो शादी के बाद जिस एक्ट्रेस पर धर्मेंद्र का दिल आया था, बात उनकी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जो बरसों से एक दूसरे का साथ निभा रही हैं, और इन जोड़ियों को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ी, फिर भी उनका रिश्ता मजबूती से बंधा रहा। और इन्हीं में से एक है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी। धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता हैं, बावजूद इसके उनका दिल हेमा मालिनी पर आया था। लेकिन खबरों की माने तो शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने हेमा मालिनी से शादी तो की, फिर भी वो एक मशहूर अभिनेत्री के इश्क में पड़ गए। जी, हम बात अनीता राज की कर रहे हैं। धर्मेंद्र का नाम बॉलीवुड के कई एक्ट्रेसेस से जुड़ चुका है और उनके आशिकाना मिजाज के किस्से भी मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहे। और ऐसी ही 80 के दशक की एक अभिनेत्री रही जिनका नाम धर्मेंद्र के साथ जुड़ा था। लेकिन धर्मेंद्र और अनीता राज का प्यार किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस कहानी ने चर्चा खूब बटोरी। धर्मेंद्र और अनीता राज ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था और शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। 80 के दशक में अनीता राज बहुत मशहूर थीं और वो भी कहते हैं कि धर्मेंद्र को पसंद करने लगी थीं। धर्मेंद्र भी अपनी फिल्मों में डायरेक्टरों से अनीता राज को कास्ट करने के लिए सिफारिश करते नजर आते थे। अनीता राज और धर्मेंद्र की उम्र में भी काफी फर्क था। अनीता राज धर्मेंद्र से 27 साल छोटी थी। शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी और जल्द ही ये किस्से मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगे। लेकिन जब ये मामला हेमा मालिनी को पता चला तो वो नाराज हो गई। इसके बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को अनीता राज से दूर रहने की धमकी दी और इस रिलेशनशिप की वजह से अनीता राज को भी काफी विवादों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अनीता राज ने कई सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने दूल्हा बिकता है, नौकर बीवी का, अच्छा बुरा, जमीन आसमान, करिश्मा कुदरत का, जान की बाजी, गुलामी, मोहब्बत की कसम, प्यार किया है, प्यार करेंगे जैसी तमाम फिल्में हैं। अनीता राज ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म प्रेम गीत से की थी, जिसके बाद वो रातों रात स्टार बन गई थी। अनीता ने फिल्म प्रोड्यूसर सुनील हिंगोरानी से शादी की। दोनों का एक बेटा शिवम हिंगोरानी है और बीते साल लॉकडाउन के दौरान ही अनीता और सुनील ने शिवम की शादी की है। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अनीता टीवी सीरियल्स में नजर आई। उन्होंने माया, 24, तुम्हारी पाखी, एक था राजा एक थी रानी, ईना मीना डीका जैसे सीरियल्स में काम किया। लेकिन आज भी जो मोहब्बत का किस्सा है धर्मेंद्र और अनीता राज का, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।